एक्सपीरियंस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ओके तो अभी अभी मेरा प्लान था सऊदी अरबिया में शिफ्ट होने का, तो उसी वजह से वहाँ एक नियोम सिटी में था एक जानने वाला इंजीनियर, उसी ने मुझे ये रेफर किया था कि आप यहाँ आने से पहले प्राइम वगैरह सीख के आए। ठीक है। तो उसी सिलसिले में मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया ओके सोहेल, गुड लक एंड आई गॉट योर पॉइंट। बड़ा वैलिड रीजन है जॉब हंटिंग के मुतलिक पता करके आए, कहीं पे रेफरेंस है तो ऐसे नहीं हमने जाना होता। ऑब्वियसली पीपल डिमांड समथिंग फ्रॉम अस कि अगर वो कहीं पे हमें रेफर करते हैं या फिर हमें कोई गाइड करते हैं, दे शुड टेल अस अबाउट द स्किल्स एंड दैट्स ग्रेट। सोहेल वेलकम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस सेशन के थ्रू जो भी हम पढ़ें पढ़ाएं समझें उनको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सीख के जाएं। सो नेक्स्ट प्लीज नसीरुल्ला, प्लीज लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। अपना माइक ओपन थैंक कीजिएगा। यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी अभी फ्रेश सिविल इंजीनियरिंग हो गई अगस्त पिछले अगस्त में। तो ठीक है सर ये है कि हमारे भी कैसे गल्फ कंट्रीज में जाने वाले इंजीनियर्स थे, वो लोग कहते हैं कि अगर आपने इधर आना है, बाहर निकलना है, तो फिर कम से कम जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह है वो आप करके आएँ, यानी प्राइमावेरा P6 हो गया, बाकी साथ जो सॉफ्टवेयर हैं। आजकल तो बाहर निकलना है तो चादर होनी चाहिए, जर्सी पहनी होनी चाहिए, ऐसे ही है ना? जी जी सर बिल्कुल, आजकल तो बहुत सर्दी है। तो वैसे बाहर जाना है यूए के लिए तो ये हमारे लिए चादर है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि सर आजकल हालात खासकर इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए अच्छा नहीं है पाकिस्तान में, तो बाहर जाना चाहिए इसमें इंजीनियरों को। एक पॉइंट है, आप सही कह रहे हैं नसीर, मैं भी एक बड़े अच्छे समझ ले के इंजीनियर या यूटी को उनको सुन रहा था, तो अच्छा पॉइंट था उनका। वो ये था कि वो कहते हैं कि जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, दीज कंट्रीज आर नॉट फॉर इंजीनियर्स अप टू सम लिमिट। ओके ठीक है, लेकिन जब आप सोचते हो ना, मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 15 लाख रुपए तक पैसे कमाना चाहता हूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इंजीनियर होंगे जिनको, या इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती है। इंजीनियरिंग की जो इनरिच्ड रीजन्स हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं, यूरोप है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये एक लिमिट तक आपको एक्सपोजर देते हैं, उसके बाद सैलरी सेम रहती है। सो यस जी सर इट्स अवर राइट। अब अरबियों के अपने बच्चे बेचारे इंजीनियर नहीं होते तो हमारे बच्चे वहां पे जाके पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है ना? तो ये एक जी तरीका का सर है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, बाकी जी सर अभी कंटिन्यू अभी कर, कंटिन्यू रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में है इस्लामाबाद में, उसमें फिलहाल साइट इंजीनियर हो, कर। तो फिलहाल डिग्री भी प्रोसेस में, तब तक वो भी आ जाएगा और हमारा जो है ना वो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो भी जा रही है, तो तब तक ये कोर्स भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बाहर निकलने का इरादा। ओके गुड लक जी नासिर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट प्लीज अश्वथ जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अश्वथ के नाम से हैं या कोई भी स्टूडेंट जो जल्दी से अपना माइक ओपन कर ले प्लीज प्लीज, बिकॉज हमारे पास फिर आपको पता है 35 मिनट लग जाएंगे इसमें। जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है सर, और मेरा ताल्लुक स्वात KP के से है, और सर मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में 2020 में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स में इनरोल किया था UET पिशावर में वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में। और सर इसके अलावा सर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था जनवरी 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो वीज़ा था वो डिसकंटिन्यू हो गया था, सब क्लास 476 वीज़ा था। तो अभी रिसेंट मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में, लेकिन अभी इस तरह है कि मेरा प्लान है सऊदीया जाने का, तो इत्तेफाक से सर मुझे आपका जो वीडियो था वो मुझे मिल गया, और फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की इस बारे में, वहाँ पर कुछ दोस्त भी थे तो उन्होंने भी वही रिकमेंड किया, तो इसलिए मैंने ये कोर्स फिर ज्वाइन कर लिया। मेरा नाम एहसान खान है। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी है और मास्टर्स भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही है NAD यूनिवर्सिटी से, और 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। पावर जनरेशन प्लांट में फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अपने स्किल्स को
बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, अपने वर्किंग प्लेस के अंदर भी मैंने प्राइम मेरा जो है ये चूज किया है। और मेरे कुछ कलीग्स थे जो सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखते थे, मतलब सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स होने लाजमी है, जिसमें उन्होंने मुझे प्राइम वगैरह का बताया कि ये होना लाजमी है, इसके साथ ई टैब वगैरह जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आने वाले वक्तों में यही चीजें काम आएंगी। फील्ड वर्क भी मैंने 6 साल कर लिया है, तो अब टाइम है थोड़ा बैठ के जॉब करने का, तो इस वजह से। चले चले, गुड लक एंड असलाम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड नेक्स्ट प्लीज जुनेद, हारिस, इश्फाक, जो भी जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट कर दे, प्लीज स्टार्ट टेलिंग मी अबाउट योर सेल्फ। अस्सलाम उस्मान, वालेकुम वालेकुम सलाम उस्मान, क्या हाल है? वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। हाँ मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सर, माय सेल्फ उस्मान इलियास, आई डिड बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएमटी इन 2022। तकरीबन मुझे साल हो गया मैं अभी तक जॉबलेस हूँ, तो इसके दौरान मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह की थी। तो जिधर भी मैं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो सारे स्किल्स मांग रहे थे कि स्किल्स होने चाहिए, तो वो स्किल्स के लिए सर्टिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर्स का सीखना लाजमी था। तो फिर मैंने आप फेसबुक पे आपको देखा था, तो आपके मतलब मैंने काफ़ी सर्च की थी, फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं प्राइमावेरा P6 सीख लूँ और इसके साथ ऑटो कैड अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं कोर्स सीख लूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने 15 में ग्रेजुएशन की है सिविल इंजीनियरिंग में, ओके, तो उसके बाद सर मैं जनवरी 23 में इधर KSA में आ गया हूँ, जॉब कर रहा हूँ कंसल्टेंट के साथ पर्सन्स कॉर्पोरेशन। जबरदस्त, पार्सन। तो जी सर, तो अभी प्लान यही है कि अपनी CV जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है वो कर लूँ, स्किल्स इम्प्रूवमेंट कर लूँ, और जॉब ताकि नेक्स्ट जॉब हंटिंग के लिए मुझे ईजी हो। अच्छा, गुड तो लक। PMP भी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, 75 आवर, जो CPDU होता है आतिफ सर से, तो उसके एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। सर, पावर प्लांट का यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक और है, उसके बाद मेरा इरादा है ऑयल एंड गैस में जाने का। काफ़ी टाइम से मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देख रहा था, और बाकी इस पे स्टडी वगैरह अपनी कर रहा था, और अब मौका मिला आपके साथ, इंशाल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ओके, गुड लक एंड नेक्स्ट प्लीज, जो भी हैं प्लीज अपने बारे में जल्दी जल्दी जी अपना। अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो वालेकुम सलाम, सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। माई सेल्फ मोहम्मद आरिस फ्रॉम मुल्तान, और सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान से, और 2022 में जो था मेरा पास आउट है, फ्रेश ग्रेजुएट, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। तो इसमें यह है कि कुछ मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं जो KSA में होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप प्राइमवेरा P6 जो है उसको जो है सीखें, और उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो है ना आपका जो है वो जॉब का सिलसिला बन जाएगा। तो बड़े अच्छे फिर रिश्तेदार हैं फेसबुक पे, आपके, हाँ जी बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं आपके, अच्छा मशवरा देते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आप एटलीस्ट स्किल्स वाले बंदों की जो है ना ज्यादा वैल्यू है बाहर ना, तो आप नहीं, स्किल्स के साथ हैं, ज्यादातर एक्सपीरियंस। ज्यादातर दोस्त और रिश्तेदार मशवरा पता क्या देते हैं, ओ हो, यहाँ पे तो हालात बहुत खराब है बेटा, यहाँ पे ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं जो मुखलिसाना मशवरा देते हैं, जी, ऐसे ही है, तो ऐसे उन्होंने ही यही मशवरा दिया है। है। अच्छा, आई हैव डन मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम चाइना। आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज डिजाइन इंजीनियर इन हबीब रफी कैपिटल स्मार्ट सिटी। करंटली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स, सो आई एम प्लानिंग टू मूव टू गल्फ और कैनेडा और न्यूजीलैंड, दैट्स व्हाई ट्रैवल। ओके आदिल, आप चाइना से पढ़ के फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और फिर गल्फ में जाना चाहते हैं, गुड लक एंड दिस स्किल विल बी वेरी मच वैल्यूएबल। इंशाल्लाह आपने यानी कि इसको अच्छे तरीके से लेके चलना है, इंशाल्लाह इट विल बेनिफिट यू लॉट। सो नेक्स्ट, मेरा नाम असद बिन खालिद है, मैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया UT टेक्सा से, 2012 ओके से 16 सेशन था मेरा। तो ओके, मैं अभी अबू धाबी होता हूँ, मैं 2 साल से मैं इधर हूँ। तो मैं इधर एक मैकेनिकल इंजीनियर MEP जॉब कर रहा हूँ, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पे। ओके
बस शुरू में भी मैं आया था तो मैंने इसी का प्राइमावेरा पे स्टार्ट किया था सीखना, लेकिन बस बीच में फिर छोड़ दिया। तो अभी दोबारा प्लान था जॉब स्विच करने का ना, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो बस उसी के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ। ओके असवत, गुड लक कि आप ऑलरेडी एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और आप भी वहीं पे बैठ के यही सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ, जी तो इसका एक मतलब ये होता है कि जी एग्जैक्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जॉब कैरियर मैटर्स अलॉट। जॉब कैरियर आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप यूएई के अंदर हैं, आप वेर एवर यू आर, अल्टीमेटली आपको ये चीज समझ आनी शुरू हो जाती है कि व्हाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, अच्छे पैसे होने चाहिए और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। और एक और चीज अगर ऐड कर लें कि अगर कल को आपको कोई मुश्किल आती हैं तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो कंपनीज के अंदर वर्क फ्रॉम होम जो भी काम होता है वो फ्रीलांस भी कर सकते हो आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली असद है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है नासिर 2021 में, और अब तक मेरा 2 साल एक्सपीरियंस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो मेरा मकसद इस प्रोग्राम में एनरोल होने का यही है कि मैं थोड़े सेट ऑफ स्किल्स सीखना चाह रहा हूँ, और दूसरा प्रीवियस ईयर से मैंने प्राइमरी सीखने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे अब तक कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाई अब तक। ओके तो दैट्स माई इंटेंशन ऑफ एनरोलिंग इन दिस कोर्स। ओके एलियस सर, गुड लक एंड अस्सलाम वालेकुम सर, दिस जी इज जुनेद, मैं वालेकुम फ्रॉम, सलाम। आई हैड डन फ्रॉम जामिया, बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। आई ओके हैव 13+ ईयर एक्सपीरियंस। लास्ट 9 ईयर्स आई वर्क इन ओमान, नाउ आई एम वर्किंग इन इंडिया। सो आई वांट टू चेंज माय जॉब प्रोफाइल, कंस्ट्रक्शन टू ऑयल एंड गैस, सो ओके दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। आई एम हरवान। आई हैव डन माई बैचलर डिग्री फ्रॉम यूईटी लाहौर, ओके एंड नाउ आई एम करंटली इन सऊदी अरेबिया वर्किंग एज अ लो करंट साइट इंजीनियर ओके इन मक्का। ओके सो देर इज सम प्रॉब्लम विद माई कंपनी, सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। सो वेन आई सर्च इन मार्केट अबाउट माई जॉब, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल नीड प्लानिंग इंजीनियर एंड दे नीड ओनली द पीपल हु नो अबाउट प्राइमावीरा। सो आई सर्च अबाउट प्राइमावीरा ऑन यूट्यूब, ओके, एंड ऑल्सो माई कंपनीज फेलो दे नो अबाउट प्राइमावीरा एंड दे गॉट जॉब वेरी इजिली, मे बी इन अ 1 वीक। ओके, सो आई डिसाइडेड टू लर्न अबाउट प्राइमावीरा। सो ही गिव मी योर नंबर, सो आई ज्वाइन दिस क्लास टू लर्न अबाउट प्राइमावीरा। सो So yes, here I will advise you people along with learning, planning, engineering, this skill set. A lot of people having this confusion. पर सबसे पहले अपने जहन में confusion दूर करना है। वो confusion क्या है? That confusion is के आप समझते हो कि just मुझे Primavera P6 आ जाएगा, I will be like flying to Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia with all the opportunities. यहाँ पे आप उसी तरीके से सीखने आए हैं जिस तरीके से मैंने अपने वो जो मेरे इंडस्ट्री के सीनियर्स से, लाइक नॉट इंडस्ट्री के, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स से, जैसे मैंने उनसे सीखी चीजें थी। जो इंडस्ट्री के अंदर आपके सीनियर्स होंगे वो नहीं आपको सिखाएंगे, बिलीव मी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको डाटा दूं। बहुत सारी चीजें बातों बातों में आपको कन्वे हो जाएंगी जो कि शायद आप बहुत सारी बुक्स पढ़ के भी, ठीक है, ना समझ पाए, क्योंकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें होती हैं वो सिचुएशन को समझकर आपको आ जाती है। प्राइमावेरा P6 इज नॉट ओनली द थिंग के ये एक सॉफ्टवेयर है। कंफ्यूजन ये है कि हम समझते हैं सिर्फ प्राइमावेरा P6 आ जाएगा तो हमें हर चीज आ जाएगी, बट द राइट इक्वेशन इज टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये मैंने डेमो लेक्चर के अंदर भी इसको बताया हुआ है, आपने इस आज के सेशन के बाद डेमो लेक्चर को लाजमी रिवाइज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट के उस सेशन को आपने लाजमी जो है ना गो थ्रू करना है, दैट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरीबडी। ये पॉइंट मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, ये वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर। ये एक प्लानिंग इंजीनियर का पूरा एक रेसिपी, जैसे बिरयानी बनाने की रेसिपी होती है, और प्राइमरा P6 एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स। व्हाई बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, इफ यू एक्सपेक्ट यू शुड लैंड इन गल्फ रीजन विद गुड जॉब इन योर हैंड्स, देन यू शुड बी वेरी गुड इन स्पीकिंग फॉर योर जॉब इंटरव्यूज। बट बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, आपको कंसल्टेंट से इंटरेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग्स का ऐसा बनना है, देन येस इट मैटर्स अ लॉट। सो अगर आप में से कुछ लोगों को मसले मसाइल हैं
प्राइवेटली यू कैन डिस्कस विद मी, आई कैन गिव यू फ्यू एक्सरसाइजेज, जिस तरीके से हम जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो ये एक कन्फ्यूजन है, प्राइम नंबर P6 आ गया तो हर चीज आ गई, ऐसा नहीं है। आपको इस सेशन के अंदर ये सारी चीजें एक बैलेंस तरीके से डिलीवर की जाएंगी ताकि आप एक कंप्लीट प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सके, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन करता हूँ, जस्ट इरेजिंग दिस विंडो। डेमो लेक्चर एक मेरी चीज समझ आ रही है, वो एक सेशन है, वो आपने कल के सेशन से पहले लास्ट भी उसको अटेंड करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से एक इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन जो डेमो में बताया है और उसके अलावा मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ। देखें, एक फ्लो चार्ट मैं आप लोगों के साथ अभी जो शेयर कर रहा हूँ, आप समझे कि आप गो थ्रू होंगे अगले 5 मिनट के अंदर एक बड़े आसान तरीके के साथ। आप समझेंगे कि अगर मैं गल्फ कंट्रीज में जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी पहली नौकरी है, मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो एक कॉन्सेप्ट है प्लानिंग का, ठीक है। उसको मैं एक फ्लो चार्ट की शक्ल में आपको कन्वे करने जा रहा हूँ। ये जो चीजें मैं इस तरीके से आपको बताया करूंगा, ये प्लानिंग इंजीनियर जॉब इंटरव्यू के जितने भी मेरे एक्सपोजर है उससे मैंने आपको एक समझ लें कि एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बताने जा रहा हूँ। आज के सेशन में, कल को सेशन होगा या जब भी हमारे इस तरह के ओपन माइक सेशंस होंगे उसमें इसी तरीके से मैं बताता हूँ, ताकि क्योंकि इससे ना चीजों की अच्छे तरीके से समझ आती है। सबसे पहला जो काम है ना प्लानिंग इंजीनियर का, ये एक फ्लो चार्ट बनने जा रहा है। आपने कोई इसमें डिटेल में नहीं, मैं अभी जा रहा, इन चीजों को हम वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट। ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको भी कल के सेशन से पहले एक ना असाइनमेंट क्या है, इसको आपने वर्ड के अंदर एक फ्लो चार्ट अपने लिए बना के रख लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ, और आज के सेशन का लिंक भी आप सबको मिलेगा। तो प्लानिंग के अंदर भाई सबसे पहले एक ना स्कोप होता है। स्कोप समझ लो कि क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल के अंदर कल पढ़ेंगे इसको। स्कोप का मतलब ये होता है कि आपने जो भी काम करना है ना उसको लिख लेना है। मिसाल के तौर पे आप समझें कि अमीन भाई, जुनेद भाई, हारिस भाई जो भी हैं, हम जब छोटे होते थे तो हमारे घर वाले हमें जब भेजते थे कोई ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट से ज्यादा चीजें, तो लिख के देते, ठीक है कि नहीं, लिख के देते थे ना ये चीजें लेके आनी है, भूलना जाना। बिल्कुल ऐसे ही हमने जो काम करना है हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लिखना। हमने एक प्रॉपर तरीके से अपने काम को लिख लेना होता है, उसकी डिटेल्स, उसके स्टैंडर्ड्स, उसके इनपुट्स, उसकी आउटपुट्स, वो हम कल या अगले सेशंस में हर चीज के मुतालिक पढ़ेंगे। जब हम एक चीज को लिख लेंगे उसके बाद हमने उस काम को लॉजिक देनी है। जस्ट आपने इस तरीके से फ्लो चार्ट, जस्ट इसी तरीके से, ठीक है। पहले स्कोप आपने डिफाइन कर लेना है, जो भी काम करना है उसको लिख लेना है। अब इस लिखे हुए काम का क्या करें, इस लिखे हुए काम को आपने लॉजिक देनी है। आपने कई सारे इस स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि कामों के मुतालिक, मुझे डिजाइन का काम करना है, मुझे प्रोक्योरमेंट का काम करना है, मुझे कंस्ट्रक्शन का, डिजाइन को मजीद आपने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना। अभी जस्ट आप ऐसे ही समझे, लॉजिक का मतलब क्या है कि मैंने किस काम के बाद कौन सा काम करना है, समझ रहे हैं। लॉजिक का मतलब क्या है, यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल जो प्लानिंग इंजीनियर का होता है ना, जो आज आपने समझना है, हर चीज का एक मकसद होता है। हमने अपनी प्लानिंग स्किल्स को यूज करते हुए क्रिटिकल पाथ डेवलप करना होता है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। क्या गोल है, क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको बोलते हैं CPM। ये हमारी प्लानिंग का अल्टीमेट गोल होता है। उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हम पहले स्कोप लिखते हैं, फिर उसके अंदर लॉजिक्स देते हैं। लॉजिक्स का क्या होती है, मुख्तलिफ तरह के हमने जो काम करने होते हैं उनके दरमियान हमने बताना होता है कि ये काम खत्म होगा तो ये स्टार्ट होगा, दो काम इकट्ठे स्टार्ट करने हैं, दो काम इकट्ठे फिनिश करने हैं, ये हमारी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है लॉजिक। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट की जो भी काम है, मतलब जो हमने पहले लिख ली है, ऑब्वियसली एक्सकवेशन है आपका, कंक्रीट है आपकी, दीवार बनेगी आपकी, पाइप फैब्रिकेशन है आपकी, वेल्डिंग है, वट एवर द टास्क इज देयर, आपने लॉजिक दे दी। अब आपने उसको टाइम देना, टाइम क्या देना भाई, ये कितने देर में कंप्लीट करेंगे, इसके लिए भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी की मदद से हम अपने क्वांटम ऑफ वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम के अंदर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम जस्ट फ्लो चार्ट सीख रहे हैं। स्कोप तैयार हो गया, लॉजिक हो गई, टाइम हो गया, अब इसके बाद हमारे पास एक CPM डेवलप हो जाता है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, अगर आपसे कोई बंदा ये कल को जॉब इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी प्लानिंग का न्यूक्लियस क्या है, प्राइम प्लानिंग का हार्ट क्या है, प्लानिंग समझ लें कि कैसे आपकी प्लानिंग वैलिडेट की जाएगी CPM बेस्ड पे,
ठीक है, जब आप स्कोप डिफाइन कर लेते हैं, उसके दरमियान लॉजिक्स दे देते हैं, उसको ड्यूरेशन दे देते हैं, देन प्राइमेवेरा P6 सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत सारी ऑप्शंस है जिसके अंदर जाके हम CPM डेवलप करते हैं, प्राइमेवेरा ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ मैनुअल तरीके से कि किस तरीके से प्राइमेवेरा P6 की ये सारी ऑपरेशन चलता है। ठीक है, यही समझ में हम इधर आए हैं। जॉब इंटरव्यू के अंदर यहाँ तक ये होती है बेसिक प्लानिंग, CPM तक आप जब काम करते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज होती है जो मैं यहाँ पे मिस तो नहीं कह सकते, लेकिन चलें इसको भी लिख लेते हैं। काम करने वाले लोग, उस काम पे कौन कौन से लोग काम करेंगे। ठीक है, ये जो स्कोप ऑफ वर्क है, ये जो काम है, उसके ऊपर लॉजिक भी दे देंगे, रिसोर्सेज भी दे देंगे। काम करने वाले लोग यानी कि आपका मैन पावर है, मटेरियल है, मशीनरी है, हर काम पे कोई ना कोई चीज चाहिए। आप फाउंडेशन बनाएंगे तो आपको ऑब्वियसली क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, आपको कंक्रीट चाहिए, आपको स्टील चाहिए, आपको मेजन चाहिए, आपको हेल्पर चाहिए, आपको ट्रांजिट मिक्सर चाहिए उसको कैरी करने के लिए, स्टील के ट्रेलर्स चाहिए। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप यहां से यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये आप यहां से ये फ्लो चार्ट है, स्कोप से CPM तक पहुंचते हैं, ये आपकी बेसिक लेवल पे प्लानिंग होती है। अब इसके बाद जो आपकी एडवांस लेवल पे प्लानिंग है, जो मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूँ, ये प्योरली GCC बेस्ड कंट्रीज के लिए। CPM जब आप डेवलप कर लेते हैं, तब आपने ये प्लानिंग फेज में काम कर रहे हैं आप लोग। हमारा प्लानिंग फेज होता है और एग्जीक्यूशन अगला फेज है। प्लानिंग फेज के अंदर आप ये काम कर रहे हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। अब आपने एडवांस लेवल पे क्या चीजें तैयार करनी होती हैं, जब आप प्राइमावेरा P6 के अंदर ये सारा डाटा इनकॉर्पोरेट कर देते हो, प्राइमावेरा P6 आपको क्या देगा। प्राइमावेरा P6 में आप चंद एक क्लिक्स की बुनियाद पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो दे सकते हैं, आधे प्रोजेक्ट का, एक महीने के प्रोजेक्ट का, एक हफ्ते के प्रोजेक्ट का, बिकॉज देर आर टू मैनी ऑप्शन इन प्राइमावेरा P6। देर आर फिल्टर्स, देर आर लेआउट चेंजिंग टूल्स, देर आर ग्लोबल चेंज फार्मूला, सो वी विल लर्न अबाउट दोज थिंग्स। लेकिन हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो, विच इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने अपने क्लाइंट को सबमिट करवाना है। कंट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर ने ये सारी वर्किंग करके कैश फ्लो जमा करवाना होता है, अपना CPM PDF के अंदर फाइल्स होती हैं, अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट फाइल्स होती हैं कि आपको कब कहाँ पे कितने रिसोर्सेज चाहिए, आपके लुक अहेड प्लान, वो इतना 2 साल का प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन उस 2 साल में जो अगले 1 महीने के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फोकस्ड प्लानिंग, ठीक है ना, मतलब मुझे पूरे साल का क्लाइंट क्या करता है कि अगले 10 दिन का डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली हमने इसी तरीके से चलना होता है, अगले 10 दिन का, फिर अगले 10 दिन का, तो पूरे प्लान में से हम वो निकालते हैं, उसको हम कहते हैं लुक अहेड प्लान। ये एक फ्लो चार्ट चलता है जिसके अंदर, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एस कर्व भी कहते हैं, कैश फ्लो भी कहते हैं, CPM, ऑब्वियसली ये जो पूरा हमारा वर्क शेड्यूल बना होता है, इसके अंदर जितनी भी मेथोडोलॉजी हमने अप्लाई की है, इसको हम CPM कहेंगे। रिसोर्सेज यानी कि हमारे जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज, उनकी शीटें हम जनरेट कर सकते हैं, लुक एट प्लान है, प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है, दैट विल बी डिस्कस। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं हम क्लाइंट को, क्लाइंट इसको रिव्यू करता है, अगर तो उसने कुछ चेंज करवाना हो तो वो चेंज करके हमें सबमिट कर देगा, अदरवाइज इट विल बी अप्रूव्ड एंड इट विल बी कॉल्ड एज बेस लाइन। क्या कहलाएगी, बेस लाइन, सही है। अब इसको प्लानिंग, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, इसको प्लानिंग पैकेज भी कहते हैं, प्लानिंग पैकेज। प्लानिंग पैकेज के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर एक्सेल की शीट्स भी हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का शेड्यूल भी है, सब कुछ। लेकिन प्राइमावेरा P6 की जो फाइल है, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, जब ये क्लाइंट अप्रूव कर देता है, एक्चुअली ये बेस लाइन भी आपके प्लानिंग पैकेज का हिस्सा होती है। ठीक है, प्राइमावेरा P6 की लैंग्वेज में इसको बेस लाइन कहेंगे, और वैसे एक कन्वेंशनल प्लानिंग के अंदर हम इसको प्लानिंग पैकेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेल की भी काफी फाइल्स होती हैं, हो सकता है रिसोर्सेज आप एक्सेल में जमा करवाएं, लेकिन आपके प्राइमेवरा P6 में भी है, क्योंकि ज्यादातर जो क्लाइंट के अंदर सीनियर लेवल पे, उनको भी प्राइमेवरा P6 की इतनी वो समझ नहीं आ रही होती, दे कैन डिमांड, ठीक है जी ये एक्सेल में करवाया हमें अलग से। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, मैं आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा चीजों को। बेस लाइन वो डॉक्यूमेंट है जब आपका पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज से गुजर कर कंप्लीट हो चुका है, दैट डॉक्यूमेंट वुड बी कॉल्ड एज बेस लाइन। इसमें कोई काम बाकी नहीं रहता, आपने कंप्लीट तरीके से स्कोप मैनेजमेंट कर ली, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, जब रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी साथ साथ डेवलप होती है, बिकॉज आप रिसोर्सेज अप्लाई करते हो, हर रिसोर्स का एक रेट होता है, वो कॉस्ट भी साथ साथ एलोकेट होती है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है इसमें, डिजाइन मैनेजमेंट है, सब कुछ है, तो वो वाला डॉक्यूमेंट कहलाता है बेस लाइन। फिर आपका क्लाइंट अप्रूव करता है तो उसको हम कहते हैं अप्रूव्ड बेस लाइन। इसके बाद आप क्या करते हो, ट्रैकिंग आ जाती है।
आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल तरीके से स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम देखते हैं उसके अंदर कि किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करना है, हमारे प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कौन सी चीज़ कितनी हो गई, क्वांटिटीज के सिलसिले में, प्रोग्रेस वेटेज के सिलसिले में। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये एक ओवरव्यू है जो मैं डेमो लेक्चर में भी एक दफा दे चुका हूँ, लेकिन आज फ्लो चार्ट की शक्ल में दिया है। एंड आई गारंटी माई पीपल के जूनियर प्लानिंग इंजीनियर का जो एक जॉब इंटरव्यू होता है वो इसमें ये नहीं कि कवर हो जाता है, ये जो पहले दो सेशंस है आपके, इवन कि मैंने जनरली अभी तक आपसे सारी कम्युनिकेशन की है, लेकिन किसी भी चीज की टेक्निकलिटी में, उसके कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मेरा ये मानना है कि आपको उसका ओवरव्यू होना चाहिए जनरल सा, ठीक है? आपको समझ होगी क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर हमें करवाया जाता था इस तरीके से, ठीक है?